अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से गर्भधारण के लिए प्रयास कर रहे हैं और फिर भी अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है? काफ़ी डॉक्टर का इलाज करवाते हुए भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इनफर्टिलिटी ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इनफर्टिलिटी के पीछे महिलाओं तथा पुरुष दोनों में कमी पाई जाती है। महिलाओं में जैसे PCOD, थायराइड, प्रोलैक्टिन हाई होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, पीरियड इरेगुलर होना, लो AMH, फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, अंडे ना बनना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वहीं पे पुरुषों में नील स्पर्म काउंट, काउंट मोटिलिटी कम होना, पस सेल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से कंसीव नहीं होता है। किसी किसी पेशेंट में दोनों में प्रॉब्लम होती है तो किसी में सिर्फ एक ही पार्टनर में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफर्टिलिटी इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको प्रॉब्लम क्या है। प्लस वो जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते हैं। जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज आपके साथ एक ऐसी टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे मेरी पेशेंट ने काफ़ी डॉक्टर्स का इलाज लेते हुए थक चुकी थी और इनको ये पता ही नहीं था कि इनको प्रॉब्लम क्या है। मेरी पेशेंट का नाम है डॉली कुमारी और ये बिहार की रहने वाली है। बिहार में इन्होंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया लेकिन हर एक डॉक्टर इनकी रिपोर्ट्स को समझ ही नहीं पा रहे थे और इनको क्या प्रॉब्लम है ये भी इनको नहीं बताते थे। मेरी पेशेंट को पीरियड काफ़ी इरेगुलर आते थे और रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती थी, लेकिन पीरियड इरेगुलर क्यों हो रहे हैं और प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है इसका रीज़न ही फाइंड आउट नहीं हो रहा था। 2021 में मेरी पेशेंट ने मुझे कंसल्ट किया था। कंसल्टेशन के दौरान में हमने जब इनकी रिपोर्ट्स देखी तो ये पाया कि रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट थी। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी थी जो करवानी बाकी थी लेकिन मेरी पेशेंट की वो रिपोर्ट्स नहीं हुई थी। सबसे पहले हमने इनको ट्रीटमेंट दिया एक महीने का जिसमें इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। फिर हमने इनके सारे टेस्टिंग करवाए और ये देखा कि इनको यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से पीरियड भी इरेगुलर थे, यूट्रस में सूजन भी आ गई थी जिसकी वजह से मेरी ये पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के बाद में हमने इनको फिर से ट्रीटमेंट दिया डाइट प्लान के साथ और लकीली उसी मंथ में मेरी ये पेशेंट ने कंसीव कर लिया बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को जानना और उसका सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट ही नहीं होती है और पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम है लेकिन वो रिपोर्ट्स के अंदर फाइंड आउट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम तो ज़रूर है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तभी ही आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसलिए केस को डीपली एनालाइज करना पड़ता है और पेशेंट को ट्रीटमेंट उसी तरीके से देना होता है ताकि वो कंसीव कर सके। आइए मैं आपको डॉली कुमारी की टेस्टिमनी सुना देती हूँ उन्हीं की ज़ुबानी ताकि आपका भी मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाए। हेलो हीना मैम, आप कैसे हो? आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपके वजह से हमें बहुत बड़ी खुशी मिली। ये तो हमें दिसंबर में ही बाबू हो गया था पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई, खुशी खबरी नहीं दे पाई, तो आई एम सॉरी। बट आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे सबसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हिना मैम से कांटेक्ट करें, आंख बंद करके कांटेक्ट करें। कितनी भी भारी से भारी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई सा भी आपको प्रॉब्लम हो, बट आप ही ना मैम से कांटेक्ट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। कि मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मुझे इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था, मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर कोई कोई कुछ बताया था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। फिर मैंने आपको YouTube चैनल पे देखा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद आपसे मुझे बात हुई, उसके बाद आपने मुझे 3-4-5-6 टिप्स बताए पर मैं उसमें से सिर्फ एक ही टिप्स फॉलो की, वो अजवाइन जीरा ड्रिंक। मुझे उसी से रिजल्ट मिल गए और मैंने 4 साल बाद कंसीव किया और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो थैंक यू सो मच मैम। और हिना मैम का बहुत 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 बड़ी धन्यवाद,
मैं क्या कहूँ मैम, आप तो सीरियस सच्ची में भगवान हो, भगवान से भी बढ़ के हो, आप इतनी बड़ी खुशी दे रहे हो, डॉक्टर से भी बढ़ के हो, थैंक यू सो मच मैम। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं डॉली कुमारी ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। हमने डॉली कुमारी को क्या ट्रीटमेंट दिया था मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने मॉर्निंग में अजवाइन जीरा ड्रिंक दिया जिससे इनका इन्फेक्शन निकल सके। वुमन स्पेशल स्मूदी दी जिससे यूट्रस जो वीक है वो स्ट्रांग हो सके। फर्टिलिटी मसाज दी ताकि जो सूजन है वो कम हो सके। लेग अप दी वॉल पोजिशन दी ताकि स्पर्म और एग ईजीली मिल सके। अश्वगंधा विथ मिल्क दिया ताकि एग क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। साथ ही में हस्बैंड को केसरी कल्प चवनप्राश और मक्का रूट दिया जिससे स्पर्म स्ट्रांग हो सके और क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। ये सारी चीज़ों पे जब हमने काम किया और इनको कुछ योगासंस दिए जैसे कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन और कुछ डाइट प्लान भी दिया दोनों हस्बैंड वाइफ को। जब हमने ओवरऑल इनकी डाइट के ऊपर, इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर और इनकी फर्टिलिटी पे काम किया तो इन्होंने विद इन वन मंथ के अंदर ही गुड न्यूज़ दी और 4 साल की इनफर्टिलिटी को बीट करते हुए पूरे 9 महीने बाद इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है December 2021 में। तो है ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, IVF फेल हो गए हैं 4 बार 5 बार, ऐसे भी लोग कंसीव करके जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी का जो मेन रीज़न है आपके केस में वो फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट है और उसका सही ट्रीटमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। और जो 50% आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है वो है डाइट। डाइट अच्छा रखिए, पत्तेदार सब्जियाँ, सीजनल फल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, योगा आसन, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बाहर का जंक फूड फास्ट फूड बंद कर दीजिए, चीनी घर में बंद करिए, मैदा बंद कर दीजिए, टी कॉफ़ी से परहेज़ करिए। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी कंसीव करने के लिए। ये टेस्टिमनी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही में अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ढेर सारे वीडियोस है, टिप्स एंड ट्रिक टेस्टिमनीज के साथ शेयर की हुई है, आप उन टेस्टिमनीज को देख सकते हैं और अपने केस से रिलेट करते हुए आप भी वो ट्रीटमेंट फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं। हम डेली टेस्टिमनीज इसलिए ही डालते हैं कि आप लोग घर बैठे बिना कोई महंगे ट्रीटमेंट के आसानी से कंसीव कर सकें। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। तो आज ही इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। जिस तरीके से डॉली ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पूरे देश भर से आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसको सेव करिए और व्हाट्सएप करिए आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट या लिखकर भेजे मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। आगे का प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।